इंडिकेशन क्या है इसकी क्यों करते हम ओपन रिडक्शन क्यों करते हैं हम ओपन रिडक्शन ये उस कंडीशन में होता है व्हेन दियर इज़ फ्रैक्चर वन देयर इज़ फ्रैक्चर इन द ह्यूमरस जब फ्रैक्चर नज़र आए जब हमें फ्रैक्चर uh, इन्वेस्टिगेट uh, करना हो जब हमें इन्वेस्टिगेशन में फ्रैक्चर पता चले कि ह्यूमरस uh, में फ्रैक्चर हुआ है इसके बोन जो है उसका एक टुकड़ा हुआ या एक से ज़्यादा टुकड़े हुए हैं इन दैट कंडीशन वी गो फॉर द ओपन रिडक्शन बट बिफोर द रिडक्शन बिफोर द ओपन रिडक्शन वी गो फॉर द क्लोज रिडक्शन आपको मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किया है तो क्लोज्ड रिडक्शन में क्या करते हैं हम स्टूडेंट्स हम पीओपी का इस्तेमाल करते हैं पैलेस्टर का इस्तेमाल करते हैं या बेल्ट वगैरह इस्तेमाल करते हैं स्लिंग का इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से जो ये फ्रैक्चर्ड पार्ट्स हैं ह्यूमरस के ये बिल्कुल वापस नज़दीक आकर फिर से फ्यूज़ हो जाए लेकिन अब अगर हमें लगता है आफ्टर द सप्लिन आफ्टर यूजिंग द दपलिनट फॉर फिफ्टीन डेज और ट्वेंटी डेज आफ्टर यूजिंग द पैलेस्टर फॉर फिफ्टीन डेज ट्वेंटी डेज अगर हमें लगता है कि बिटवीन द बोन रिडक्शन जो है कम हुई है या फ्यूजन नहीं हुआ है तो उस कंडीशन में हम ओपन रिडक्शन करते हैं जिसमें हम पेशेंट को सर्जरी के लिए सर्जरी से ट्रीट करते हैं बट बिफोर द ओपन रिडक्शन वी गो फॉर द क्लोज्ड रिडक्शन इन विच वी यूज़ स्प्लेंट इन विच वी यूज़ स्लिंग इन विच वी यूज़ बैग बेल्ट इन विच वी यूज़ पी ओ पी फॉर द टू रिड्यूस द फ्रैक्चर पार्ट्स ऑफ द ह्यूमरस तो होता क्या है इसमें इसमें हम पहले अगर ह्यूमरस में अगर फ्रैक्चर हो तो पहले इसमें रिडक्शन किया जाता है क्लोज्ड रिडक्शन किया जाता है फॉर फिफ्टीन डेज और वीकेंड से फॉर ट्वेंटी डेज बट अगर फ्यूजन विद इन फिफ्टीन डेज़ नहीं हो रहा है या अगर फ्यूजन इन ट्वेंटी डेज़ नहीं हो रहा है तो उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं ओपन रिडक्शन जिसमें हम बिल्कुल वोंड को ओपन करते हैं बिल्कुल फ्रैक्चर्ड पार्ट्स को ओपन करते हैं बिल्कुल ओपनली इनको फिर से मिलाते हैं फिर फिर से रिड्यूस करते हैं और उसके बाद फिक्सेशन करते हैं